नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश है आज की खबरें। इसराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं। दरअसल फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास से 21 मई को हुए सीजफायर के बाद इसराइल ने पहली बार एयर स्ट्राइक किया है। इसराइली सुरक्षा बलों का दावा है कि तटीय इलाकों में आग लगाने की घटना के जवाब में पूरे गाजा पट्टी में हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। हमास के सदस्यों ने गुब्बारे के जरिए इसराइल के दक्षिणी इलाके में आग लगाने की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद यामिनी पार्टी के नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद से गाजा पट्टी पर पहली बार हमला हुआ है। आपको बता दें कि नफ्ताली बेनेट लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि आगजनी के हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे रॉकेट दागने के जवाब में हवाई हमले किए जाते हैं।